हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैग पिकर साहिब आलम अनीस जंग से मिलता है और इस बात को ऑथर ने रिफ्लेक्ट किया था कि सारे बच्चे नंगे पांव चलते हैं, बेयर फुट। अब बेयर फुट ट्रेडिशन एज सच कोई बेयर फुट ट्रेडिशन नहीं है, ये चीज क्लियरली इंडिकेटेड है चैप्टर में कि बेसिकली वो बच्चे बहुत गरीब थे, चप्पल जूते उनके पास थे ही नहीं, और शायद उनके पेरेंट्स ने उनको ये समझा दिया था कि नंगे पांव चलना, बेयरफुट वॉकिंग इज ए ट्रेडिशन, ताकि थोड़ा सा बच्चों को, एक तरह से छोटे बच्चे हैं हो सकता है, इसी सोच विचार में वो नंगे पांव चलते रहें कि ये हमारा इस तरह से काम करना एक ट्रेडिशन का पार्ट है, ताकि उनको बहुत बुरा ना लगे, वो इस चीज़ के लिए फील ना करें कि हम एक जूता भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो दैट इज़ द मेन थिंग। So army of rag picker has been told, ऐसा बताया गया था, that walking barefoot is a tradition. One child said that mother didn't bring down from the shelf. एक मदर ने दूसरी कहानी बना दी थी कि बेटा ऊपर शेल्फ पर रखे हैं, मैंने अभी तक उतारे नहीं, है ना। कई बार उतना बच्चों को ऐसे बहलाना पड़ता है जब घर में कोई चीज़ नहीं होती या उनको कोई चीज़ नहीं देनी होती, तो पेरेंट्स कुछ कुछ बातें बनाकर जो है वो कर देते हैं। ऐसे एक बच्चे की कहानी है कि वो ऐसे जूते पहन रहा है जो मैच नहीं करते, यानी कि एक पाँव में दूसरा जूता है, दूसरे पाँव में दूसरा जूता है, है ना। और भी है, द थर्ड बॉय नेवर ओन्ड ए पेयर एंड ऑल इज लाइफ डिजायर्ड शूज। उसको हमेशा से ज़िंदगी में था कि मेरे पास जूते हों। आप सोच के देखिए, ऐसे बच्चे भी हैं जीवन में जिनके पास कभी जूते नहीं रहे और वो अपनी जीवन में एक बहुत बड़ी इच्छा है उनकी, एक बहुत बड़ी स्ट्रांग डिज़ायर है उनकी कि हमारे पास जूता हो, यू नो। आप जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आगे करेंगे, और हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी कार चलाएं या हम पायलट बने, हवाई जहाज उड़ाएं, विश्व में कहीं पर भी आएं जाएं। और सोचिए कि ऐसी भी दुनिया है, इसी दुनिया में मतलब ऐसे लोग भी हैं जो लोग सिर्फ जूते के लिए कामना कर रहे हैं कि हमारे पास जूता हो। ऑथर जो है वो एक कंपैरिजन कर रही है कि 30 साल पहले, 30 years ago, उडीपी, इन द टाउन ऑफ उडीपी, यहाँ पर एक प्रीस्ट था। तो जो प्रीस्ट का, प्रीस्ट मतलब पुजारी, मंदिर में जो पुजारी होता है, उसका जो बेटा था वो मंदिर में जाके पूजा करता था, प्रे करता था कि मेरे पास जूते हों। तो बॉय विशेज टू ओन ए पेयर ऑफ शूज एंड ही स्टूड ब्रीफली इन फ्रंट ऑफ टेम्पल एंड प्रेड फॉर शूज। यानी पुजारी का जो लड़का है, बेटा है, वो जूतों के लिए गॉडेस से, देवी से प्रार्थना कर रहा है। 30 साल बाद, यानी अभी जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जो पुरानी सिचुएशन है वो 30 साल पुरानी है, अभी यहाँ पर याद रखिएगा एक नया प्रीस्ट रहता है, है ना, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। नाउ अ न्यू प्रीस्ट इज देयर, मे बी वो पुराना प्रीस्ट यानी पुराना पुजारी छोड़ के चला गया या जो भी है, तो जो नया प्रीस्ट है, लेकिन समहाउ उसकी डेवलपमेंट हो गई है, ऐसा ऑथर बता रही है। अब उसका जो बेटा है वो मंदिर, सॉरी स्कूल जो जाता है, तो वो जूते, जुराब, यूनिफॉर्म सब पहन के जाता है, मतलब वो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गया है, है ना। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव देयर। तो वो ये कंपेयर कर रही है कि 30 सालों में टाउन ऑफ उडीपी, जहां वो कभी गई होगी उसके हिसाब से वो बोल रही है, वहां एटलीस्ट चलो पुजारी के बेटे ने 30 साल में ये प्रोग्रेस कर ली कि पहले वो भी नंगे पांव था, जैसे रैग पिकर भी नंगे पांव था, लेकिन अभी ये बच्चा तो प्रोग्रेस कर गया है, लेकिन दूसरे बच्चों ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। यानी अब जो नया पुजारी का बेटा, एटलीस्ट उसके पास यूनिफॉर्म है, जूते हैं, सॉक्स हैं, है ना, बट रैग पिकर्स स्टिल शूलेस। दैट इज व्हाट शी वांट्स टू बेसिकली रिफ्लेक्ट और वांट्स टू स्ट्रेस, कि जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, जस्ट लाइक साहिब आलम, ये 30 साल से अभी तक इतनी प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए कि अपने पाँव में एक जूता खरीद के पहन सकें। सो मतलब कहने का ये है कि इनकी जो पोजीशन है वो खराब थी और फिलहाल तो खराब ही चल रही है, अभी तो कह नहीं सकते ना। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे उनकी रहने की जो जगह थी, सीमापुरी, जो कि बताया गया कि उस जमाने में, आज तो सीमापुरी काफ़ी हद तक दिल्ली के अंदर है, बट उस समय ये आउटर लिमिट्स ऑफ दिल्ली में थी। रिफ्यूजीज जो है वो 1971 में अपनी कंट्री छोड़ के आए थे, उस समय जिस समय ये आए थे उस समय सीमापुरी थी नो मैंस लैंड, यानी खाली पड़ी थी, बट अभी वहाँ 10,000 लोग रहते हैं। जहाँ तक उनकी ड्वेलिंग, उनका घर कैसा है उनका, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी, टिन, है ना, एंड तारपिलिन, यानी जो ऊपर वो लोहे की टिन डलती है वो उनके घरों पे डली हुई है, और तारपिलिन आप समझते होंगे तिरपाल। वहाँ कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है,
और 30 सालों से वो बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब एज सच उनका कोई पासपोर्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हाँ एक बून, बून यानी ब्लेसिंग, एक वरदान जरूर है उनके पास, और वो क्या कि सरकार से उनका एक राशन कार्ड बना हुआ है ना। और राशन कार्ड से उनको क्या होता है कि वो लोग सस्ते में अनाज खरीद पाते हैं राशन की दुकानों से। तो जो लोग भी थोड़ा बहुत भी अवेयर होंगे इस चीज़ को, तो पता होगा कि गवर्नमेंट हमेशा सस्ते में जो है वो राशन अवेलेबल करती है, तो उसके लिए एक राशन कार्ड का कल्चर होता है, राशन कार्ड होना जरूरी होता है, उससे फिर वो ये चीज़ें खरीदते हैं। तो वो राशन कार्ड जो है वो उनके लिए अवेलेबल था। तो यही चीज़ लिखी है कि उनके लिए फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, यानी उन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, दे आर हैप्पी कि एटलीस्ट उनके पास एक राशन कार्ड है और जिससे वो अपना खाना खरीद सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है, पिकिंग गार्बेज एंड रैग्स मीन्स अर्न्स देयर डेली ब्रेड रूफ लाइवलीहुड एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जो लाइनें मैंने हाईलाइट किए हैं रैग पिकर्स के लिए, तो नेचुरली कूड़ा बिनने से ही उनको रोज का खाना मिलता है, उनकी छत, रूफ का मतलब ये नहीं है, बेसिकली उनके जो सर पर छत है, यानी वो जो पैसा कमा रहे हैं उसी से वो जैसा भी अपना घर है मिट्टी का, तारपुलीन का, उस घर को वो मेंटेन कर पा रहे हैं और उसी की वजह से वो जिंदा है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे तो कभी कभी जो है ना शौक में, खेल में भी जो है वो उस गार्बेज को चुनते हैं, और ये लिखा है कि दैट गार्बेज जो है इट्स ए बॉक्स ऑफ सरप्राइज फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चे ना हमेशा इस उसमें रहते हैं कि यार शायद इस बॉक्स में से हमें कुछ मिल जाए, एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एडल्ट्स, यानी बड़ों के लिए तो वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है लेकिन बच्चों के लिए इट्स अ बॉक्स ऑफ सरप्राइज, है ना। वो कूड़ा बिनते वक्त भी बहुत एक्साइटेड है बच्चा, तो फिर बच्चा ही है, खेल है उसके लिए तो, राइट। तो ये वीडियोज ngpaclasses.com पर आपको मिल जाएंगी। रैग पिकर्स साहिब्स इटर्नल यर्निंग, इटर्नल यर्निंग का मैंने मीनिंग भी दिया है डिजायर, वो हमेशा से ये इच्छा करता है कि उसके पास जूते हों। ऐसा बताया गया है कि साहिब एक बार कहीं टेनिस जहाँ खेला जा रहा था, कोई स्पोर्ट्स क्लब के गेट पे होगा, तो उसने देखा कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं, और ऐसा स्टोरी में मैंशनड है कि उसको टेनिस बहुत अच्छा लगता था, और फिर उसको बाद में कुछ जूते मिल भी जाते हैं, छेद वाले जूते जो शायद किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे। तो वो सब बातें यहाँ पर जो है आ रहा है। वन विंटर मॉर्निंग साहिब स्टैंडिंग बाय फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, ये नेबरहुड क्लब कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो वहाँ पर उन बच्चों को, यंग लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है। उसको भी ये खेल बहुत अच्छा लगता है और गार्ड उसको अंदर जाने भी देता है जब वो खाली पड़ा होता है क्लब। एंड नाउ इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, यानी उसको कहीं से वो टेनिस शूज मिल गए हैं, इसलिए बस वो टेनिस क्लब का रेफरेंस लिया स्टोरी में, कि यानी किसी अमीर बच्चे ने जो उसको पहनने को उसने मना कर दिया क्योंकि जूतों में छेद है, वो जूते साहिब को मिल गए हैं, तो उसको वो छेद वाले जूते भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसने अपने जीवन में तो कभी जूते पहने ही नहीं, तो कम से कम उसको यही अच्छा लग रहा है कि उसके पास जूते हैं चाहे उसमें वो छेद ही हैं, राइट ना, बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, वो डिस्कार्डेड शूज हैं लेकिन वो पहन रहा है, चलो ठीक है। तो इवन देखो ऐसे जूते जो उसको मिले हैं छेद वाले, देखो कितना इमोशनल लिखा है, इवन शूज विद अ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, छेद वाले जूते पहनने पर भी लिखा है इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। चलो देखो जैसी जिंदगी है भगवान ने दी है सबको, वैसे जीना है और आगे बढ़ना है। खैर अब साहिब ने आगे चल के स्टोरी के एंड में ही बताया जाता है कि एक मिल्क बूथ पर, एक चाय की दुकान पर उसने 800 रुपए महीने की जॉब कर ली है जहां पर उसको खाना भी मिलता है। तो देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज है, उसको अब एक फिक्स इनकम मिल रही है ना, जगह जगह कूड़ा नहीं बिनना है और भूखे भी नहीं मरना है, मतलब मर तो वो पहले भी नहीं रहा था, भूखा नहीं रहना क्योंकि उसको अब खाना भी मिल रहा है, लेकिन वो इतना खुश नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टोरी में आपने समझना है। पहले वो ज्यादा खुश था क्योंकि ही वॉज हिज ओन मास्टर, अपनी मर्जी से घूमे फिरे जो भी किए। अभी क्या है कि उसको एक कैनिस्टर अपने कंधे पर लेकर जो है वो चलना होता है, तो वो कैनिस्टर जो है ना अ स्टील कैनिस्टर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि स्टील कैनिस्टर कोई बहुत भारी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा अगर आप किसी ट्रेन में गए और वहां कोई चाय वाला आया हो तो वो उस टाइप का एक कैनिस्टर है उसके पास, और कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बट वो कैनिस्टर जो है इमोशनली हैवियर है, साइकोलॉजिकली हैवियर है, इन द सेंस कि पहले वो केयरफ्री था, अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकता था जा सकता था, जो उसको ठीक लगता था वो करता था, बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी उस
को अपने जो शॉपकीपर है भाई 800 रुपये फिक्स दे रहा है, 800 रुपये ये समझिए पुरानी स्टोरी है, तो हिसाब से आप ये ना सोचे कि 800 बहुत कम है, एक रीजनेबल अमाउंट है छोटे बच्चे के हिसाब से जितना उसको मिल रहा है, फिर खाना भी मिल रहा है विद मील्स है जॉब, तो उस हिसाब से उसको एक रीजनेबल सैलरी मिलती है। लेकिन अभी उसकी वो जो केयर फ्री लाइफ थी वो खत्म हो गई, दैट इज यू कैन से अ बिट ऑफ ट्रबल फॉर हिम। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो क्या वो पहले से खुश था, द आंसर इज नो, बिकॉज अर्लियर ही वॉज हिज ओन मास्टर, नाउ ही हैज टू वर्क एज पर द विश, तो वो अब थोड़ा सा बर्डन फील करने लगा है ना। सो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, है ना, अर्लियर ही वॉज केयर फ्री बट नाउ ही स्टक इन द चाइल्ड लेबर, है ना, एंड नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये एक लाइन और इंपॉर्टेंट है जो समझने की है कि अब वो बच्चा जो है वो अपना ऑनर अपना मालिक, मतलब अपनी इच्छा से अब वो अपना जीवन नहीं बिता सकता, उसको सैलरी तो मिलेगी लेकिन अभी उसको प्रॉपर जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन हम चैप्टर के एंड में जरूर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की सेकेंड स्टोरी लेंगे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। थैंक यू।